हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 15, फोन विथ मैग्नेट्स। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैग्नेट किस तरीके से डिस्कवर किया गया, उसके टाइप्स कौन से होते हैं ये भी हमने देखे थे। उसके बाद मैग्नेट जो है डे टू डे लाइफ में हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। तो आज जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम देखेंगे। लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको सिक्स स्टैंडर्ड के साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स एंड मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। फिक्स अ पावरफुल बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन दी फिगर। तो देखिए साइड में आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, इस तरीके से आपको स्टैंड लेना है। उसके बाद एक मैग्नेट बार इस तरीके से आपको फिक्स करना है। फिक्स एन आयन बार एट अ शॉर्ट डिस्टेंस बिलो द मैग्नेट। और ठीक इस बार मैग्नेट के नीचे आपको आयन बार को फिक्स करना है छोटे से डिस्टेंस में, मतलब उन दोनों में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहेगा। टेक अ आयन फिलिंग्स नियर द आयन बार। और उसके बाद जो आयन फिलिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है ये आपको क्या करनी है, यहाँ पे रखनी है। व्हाट डू यू सी, तो आपको क्या देखने मिलेगा यहाँ पे, देखिए तो क्या होगा अगर मैग्नेट बार यहाँ पे है, आयन बार है, इनमें डिस्टेंस कम है, तो ये क्या हो जाएगा, आयन बार मैग्नेट बार की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो आयन फिलिंग्स यहाँ पे हमने रखी हुई है ये आयन फिलिंग्स भी जो है आयन बार को क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम टेक द मैग्नेट अवे। और थोड़ी देर के बाद हमें क्या करना है, इस मैग्नेट बार को और आयन बार को हमें उनमें क्या होना है, डिस्टेंस जो है ज़्यादा रखना होगा। व्हाट हैपेंस नाउ, फिर हमें क्या दिखाई देगा, जो भी आयन फिलिंग्स यहाँ पे स्टिक हुई थी, फर्स्ट हमें जो डायग्राम दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो आयन बार है वहाँ पे आयन फिलिंग्स स्टिक हुई है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट बार को हम लोग अलग करते हैं आयन बार से, तो जो आयन फिलिंग वहाँ पे स्टिक हुई थी ये निकल जाती है। आयन फिलिंग स्टिक टू द आयन बार व्हेन द मैग्नेट इज नियर इट एंड फॉल ऑफ एज सून एज द मैग्नेट इज टेकन अवे। तो यही हमने यहाँ पे देखा है कि अगर मैग्नेट बार और आयन बार साथ में आ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को स्टिक होते हैं, तो उसी समय जो आयन फिलिंग्स नीचे हैं ये भी क्या हो जाएगी, आयन बार को स्टिक हो जाएगी। और अगर इनमें से हम लोग इन दोनों को, दोनों बार जो है उनको अलग कर देंगे तो जो आयन फिलिंग्स है यहाँ पे नीचे गिर जाती हैं। तो ये सब क्यों होता है, अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस नियर अ मैग्नेट। कि कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला मटेरियल होता है, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म आ जाता है जब वो मैग्नेट के पास होता है। मतलब जो मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक उसमें भी आ जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मैग्नेट क्या कर रहा है, आयन बार को अट्रैक्ट कर रहा है, और इस आयन में क्या हो जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म आ जाता है, जिसके कारण ये आयन फिलिंग्स जो है इसको स्टिक हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट बार अलग होता है तो ये आयन बार में जो मैग्नेटिज्म था ये भी खत्म हो जाता है, और जिसके कारण आयन फिलिंग जो है नीचे आ जाती है। दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म। और इसे क्या कहा जाता है, इंड्यूस मैग्नेटिज्म, जो कि थोड़ी देर के लिए रहता है, और मैग्नेट बार को निकालने के बाद आयन बार में जो भी मैग्नेटिज्म था वो वहाँ पे वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, फिक्स अ बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर, लेट इट बिकम स्टेडी, टेक अनदर बार मैग्नेट नियर द हैंगिंग बार मैग्नेट। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। तो देखिए साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है, इस तरीके से क्या किया है, एक स्टैंड है, उसके ऊपर हमें दो मैग्नेट बार दिख रहे हैं। दोनों मैग्नेट बार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और उसके साइड में जो बार है उसका भी नॉर्थ पोल है। तो ये दोनों स्टिक हो रहे हैं क्या, नहीं। अगर आप देखोगे तो ये दोनों में डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। जनरली क्या होता है, जो भी मैग्नेट्स होते हैं, दो मैग्नेट्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं। सेकेंड अगर पिक्चर देखोगे तो यहाँ पे दोनों भी मैग्नेट बार फिर से क्या किए, यहाँ पे हैंग किए हुए इस तरीके से, और ये साउथ पोल जो है दोनों के एक साथ आए हुए, मतलब पास में कौन से पोल है, यहाँ पे साउथ पोल। तो दोनों भी स्टिक हो रहे क्या, नहीं, दोनों भी एक दूसरे से क्या हो रहे, दूर जा रहे, मतलब रिपल हो रहे। उनमें हमें अट्रैक्शन दिख रहा है क्या, नहीं। अगर थर्ड पिक्चर अगर आप देखोगे, थर्ड इमेज अगर देखोगे, तो यहाँ पे आपको दोनों बार क्या हो रहे हैं, स्टिक होते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर उनके पोल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये दिख रहा है आपको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों अपोजिट पोल साथ में आते हैं तभी ये क्या होता है, मैग्नेट, दो मैग्नेट्स स्टिक हो पाते हैं।
देर इज़ अ रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स, तो रिपल्शन होता है जो लाइक पोल्स मतलब सेम पोल्स है यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ, तो इनमें क्या होगा रिपल्शन। अगर साउथ साउथ पोल है तो इनमें भी क्या होगा रिपल्शन होगा। लेकिन जब हम लोग अपोजिट जो पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स अगर लेते हैं तो उनके बीच में क्या होता है अट्रैक्शन होता है। देर इज़ रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट वाइल देर इज़ अ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल्स। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अट्रैक्शन होता है जो डिफरेंट अपोजिट पोल्स है उनमें, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ होगा तो उनमें क्या होगा अट्रैक्शन। अगर नॉर्थ नॉर्थ दोनों भी लाइक मतलब सेम है तो वहाँ पे रिपल्शन होगा, साउथ साउथ भी है सेम सेम तो वहाँ पे क्या होगा रिपल्शन होगा। सिक्स्थ वन है टेक अ नीडल और नेल प्लेस इट स्टेडी ऑन ए टेबल कीप ऑन रबिंग अ मैग्नेट ओवर इट फ्रॉम वन एंड टू द अदर डू दी 7-8 times नाउ टेक अ फ्यू पिंस नियर द नीडल और नेल वॉट इज सीन। तो देखिए आप क्या करोगे, आपके पास अगर नीडल है या फिर नेल है तो उसे क्या करना है उसके ऊपर से यहाँ पे जैसे कि नीडल लिया हुआ है और एक मैग्नेट बार से उसके ऊपर क्या करना है हमें रब करना है थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूसली 7-8 times हम लोग क्या करेंगे रब करेंगे। और उसके बाद जो नेल्स या फिर कोई पिंस वगैरह होगी तो उनके पास नीडल के पास हमें लेके जानी है। तो क्या दिखाई देगा हमें इन दिस वे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एक्वायर मैग्नेटिज्म कि जो नीडल्स है या फिर जो नेल यहाँ पे लिया है, देखिए नेल लिया है उसके ऊपर से मैग्नेट बार को रब किया, उसके बाद अगर इस तरीके से पिन उनके पास लेके जाएंगे तो पिन जो है नेल को क्या होती है स्टिक हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है जो मैग्नेट है इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है ये इस नीडल में या फिर इस नेल में आ जाता है जिनके कारण उसे पिन जो है दूसरी पिन जो है वहाँ पे स्टिक हो रही है। मैग्नेटिज्म ऑफ दिस काइंड इज टेम्पररी और ये मैग्नेटिज्म हमेशा के लिए नहीं रहेगा, परमानेंटली होता है क्या नहीं टेम्पररी थोड़ी देर के लिए रहेगा। इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल थोड़ी देर के लिए रहेगा मैग्नेटिज्म और उसके बाद फिर से नॉर्मल नीडल या फिर नॉर्मल नेल वहाँ पे हम लोगों को मिलेगी। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है अ लिटिल फन मैं कहना इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से बनाए गए देखिए यहाँ पे एपरेटस यहाँ पे लगेंगे एन आयरन नेल ऑफ अबाउट 10 centimeter लेंथ एंड 1 meter लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर अ बैटरी सेल पिंस और अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। तो ये एपरेटस आपको लगने वाला है इस तरीके का, एक नेल लगेगा जो कि 10 centimeter का होगा, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लगेगी इस तरीके की एंड लगेगी यहाँ पे आपको बैटरी एंड इस तरीके की एक पिन। अब यहाँ पे आपको करना क्या है देखिए विंड द कॉपर वायर अराउंड द नेल, इस तरीके से हमें क्या करनी है अराउंड इसके अराउंड नेल के अराउंड ये पूरी वायर फिक्स करनी है। उसके बाद इस वायर के जो एंड है उनको यहाँ पे हमें जोड़ना है इस सेल को। नाउ टेक द पिंस नियर द हेड ऑफ द नेल, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये वायर जो सेल यहाँ पे दिया है उसको ज्वाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ये जो पिन है उसको नेल के पास लेके जाएंगे तो ये क्या हो रही है यहाँ पे स्टिक हो जाती है। नाउ टेक द पिंस नियर द हेड ऑफ द नेल एंड वॉट डू यू सी, हम लोग क्या देख पाएंगे कि नीडल जो है इस नेल को क्या हो रही है स्टिक होती है। तो ये कैसे होता है क्यों होता है इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। ड्यूरिंग द अबो एक्टिविटी वी सॉ दैट द पिंस स्टिक टू द नेल, नाउ स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट एंड सी वॉट हैपन्स, अगर इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर देंगे जो भी यहाँ पे हमने वायर लगाई हुई है सेल में ये अगर यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे बाहर निकाल देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा ये पिन जो है जो अभी यहाँ पे स्टिक है वो बाद में क्या हो जाएगी वहाँ से गिर जाएगी, वो स्टिक नहीं हो पाएगी। तो क्यों होता है ऐसा, द पिन स्टिकिंग टू द नेल फॉल ऑफ, पिन क्या हो जाएगी गिर जाएगी एंड व्हाई डज दैट हैपन, ये क्यों होता है मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस इन द नेल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, जो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था वो नेल के अंदर भी जाता है और इसीलिए मैग्नेटिज्म वहाँ पे प्रोड्यूस होता है जिसके कारण वो पिन नेल को स्टिक हो पाती है। एंड व्हेन हम लोग क्या करते हैं उस मैग्नेटिज्म जो वायर है उन्हें अगर निकाल देते हैं तो वहाँ पे जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुँच पाएगा जिसके कारण वो पिन पुट ऑफ मतलब नीचे गिर जाएगी, जो मैग्नेटिज्म नेल के अंदर आया था वो अभी नहीं रहेगा। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ऐसे जो मैग्नेट होते हैं उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आप मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जाता है तो उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। एंड दिस मैग्नेटिज्म इज टेम्पररी, तो ये भी मैग्नेटिज्म क्या होता है टेम्पररी, जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब तक ही वो मैग्नेटिज्म रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ यूज इन मेनी प्लेसेस इन अवर डे टू डे लाइफ, फॉर एग्जांपल है इट इज़ यूज इन इंस्ट्रूमेंट सच एज अ डोर बेल एंड अ क्रेन। तो देखिए साइड में आपको दिख रहे हैं कई सारे पिक्चर्स है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पे यूज़ होते देखिए, जैसे कि यहाँ पे डोर बेल दिख रहे हैं डोर बेल में यूज़ होता है,
क्रेन जो होती है उसमें कई सारी जो बड़ी चीज़ें उठाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इस मैग्नेट को यूज़ किया जाता है। मोबाइल है या फिर एटीएम कार्ड्स है, इस तरीके की जो मशीन्स होते हैं कई जगह पे क्या किया जाता है, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑन दी अदर हैंड द मैग्नेट फिक्स टू अ पिन होल्डर और द डोर ऑफ ए कबर्ड आर परमानेंट मैग्नेट्स। पिन होल्डर पे जो लगाए जाते हैं, कबर्ड में जो लगाए जाते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन। तो जो परमानेंटली जो मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, मिक्सचर होता है निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन का। फॉर एग्जाम्पल द मटेरियल अल्निको इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। तो इसका नाम ही आपको देखिए जो स्टार्टिंग के लेटर है उनका दिया हुआ है, जैसे कि एल्यूमिनियम का एल है, निकेल का एन आई है और कोबाल्ट का सी ओ है। तो जो मटेरियल यहाँ पे एल्निको, ये इन तीनों के मिक्सर से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, इन द पास्ट द ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट। तो मैग्नेट के थ्रू किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये किसने फाइंड आउट किया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली एज अ यंग बॉय, ही हैड टू वर्क विद अ बुक सेलर, देर ही रीड मेनी बुक्स एंड डेवलप एन इंटरेस्ट इन साइंस। लेटर ही वेंट ऑन टू डू रिसर्च एट द रॉयल इंस्टीट्यूशन इन लंडन, एंड इट इज़ ड्यू टू फैराडेज रिसर्च दैट टूडे वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन इन्यूमरेबल इंस्ट्रूमेंट्स इन अवर डे टू डे लाइफ। तो जो माइकल फैराडे थे, इन्होंने ये फाइंड आउट किस तरीके से किया, क्योंकि वो बुक सेलर के साथ काम करते थे, वहाँ पे जो साइंस के अलग अलग बुक थे वो क्या करते थे, रीड करते थे, और उनका जो इंटरेस्ट था फिर साइंस में बढ़ने लगा। फिर उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट जो था वहाँ पे जाके रिसर्च किए, और फिर उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेट के थ्रू, ये उन्होंने रिसर्च किया था, और उनके कारण ही जो कई सारे इंस्ट्रूमेंट डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैग्लेव ट्रेन, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स आर यूज इन अ मैग्लेव ट्रेन। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया भी है। तो मैग्लेव ट्रेन का जो वर्क है किस तरीके से होता है, या फिर उनका काम फंक्शन किस तरीके से होता है, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द ट्रेन एंड द रेल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट कम इन टू प्ले एंड द ट्रेन स्लाइड्स ओवर द रेल्स विथ ग्रेट स्पीड। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर मैग्नेट का कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है, रिपल्शन वाला, कि अपोजिट पोल्स होते हैं तो वहाँ पे रिपल्शन होता है। तो उसी तरीके से ट्रेन और जो रेल होता है उसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो उनमें जो फ्रिक्शन है कम से कम होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, तो यहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा मिल पाएगा। द मैग्नेट फिक्स ऑन दी टू साइड्स ऑफ द ट्रेन हेल्प इट टू मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे दो मैग्नेट्स फिक्स किए जाते हैं जिनके कारण जो ट्रेन है ये आगे की तरफ मूव हो पाए। तो यहाँ पे एक मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके मैग्लेव ट्रेन का पूरा फंक्शन होता है, जैसे कि रिपल्शन के कारण ट्रेन और रेल में फ्रिक्शन कम होता है, उसी उसके कारण वो ज़्यादा स्पीड में क्या होती है, चल पाती है। नेक्स्ट डू यू नो में देखेंगे, There is a strip of magnetic material in ATM cards, credit cards, etc. where necessary information about the user is stored. तो अगर आपने देखा होगा तो ATM cards में देखिए magnetic material जैसे आपको दिखेगा credit cards में, ATM cards में, जहाँ पे जो users होते हैं उनकी information store की जाती है। Magnetic materials are also used to store data in the hard disk of computer and audio or video tape, etc. तो ये कुछ information है जो आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है, हाउ इज़ मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय, तो जो मैग्नेट्स होते हैं उनका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय किस तरीके से हो सकता है, ये हम देखेंगे। मैग्नेटिज्म गेट डिस्ट्रॉय व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, अगर मैग्नेट को हम गर्म करेंगे तो उनकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। उसे थ्रोन मतलब अगर फेंक देंगे तो उसके बाद हो सकता है नॉक अबाउट और ब्रोकन इंटू पीसेस, अगर हम उसे तोड़ देंगे तो भी उनका जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो सकता है। Therefore, it is important to store magnet carefully. तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उन्हें अच्छे से स्टोर करना पड़ता है। उनकी केयर किस तरीके से करेंगे कि जो आयन बार होते हैं उन्हें उनके उनको इस तरीके से प्लेस किया जाता है मैग्नेट के ऊपर, यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है आपको कि इस तरीके से अगर मैग्नेट है उनके ऊपर आयन बार जो होते हैं इस तरीके से स्टिक किए जाते हैं। द बार ऑफ सॉफ्ट और प्योर आयन प्रोटेक्ट्स अ मैग्नेट, और इस तरीके की जो प्योर और सॉफ्ट आयन के बने हुए ये होते हैं मैग्नेट बार होते हैं, ये क्या करते हैं मैग्नेट को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, मैग्नेट कीपर कहा जाता है। Always remember में देखेंगे, various scientific discoveries, the knowledge we gain through them, the various instrument or gadget we develop with the help are all
ऑल यूजफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मैन। तो साइंटिफिक डिस्कवरी जो हुई है नॉलेज के थ्रू, हमने जो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स गैजेट्स बनाए हैं, इनके कारण क्या होती है, हमारी प्रोग्रेस ही हो पाती है। दे मस्ट बी यूज फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। और उनकी यूज़ क्यों करते हैं हम लोग इस तरीके के गैजेट्स इंस्ट्रूमेंट यूज़, ताकि हमारी जो लाइफ है वो ईजी हो सके। We have to take precaution while working with electricity or with important devices। तो जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जो gadgets, instrument को अगर हम लोग हमारे काम के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें carefully उनको यूज़ करना है और precaution भी लेनी है। We must use them under the guidance of our elders। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको तो electricity या फिर कोई भी gadget हो या फिर instrument हो, उनको यूज़ करने से पहले अपने parents को पूछना चाहिए या फिर उनके under guidance ही सारे काम करने चाहिए। What we have learned, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, आयरन निकेल कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मेटल्स। तो ये आपको याद रखना है, मैग्नेट सेटल अलोंग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वेन सस्पेंडेड फ्रीली। जब हम लोग मैग्नेट बार जो होते हैं उन्हें फ्रीली हैंग करते हैं किसी स्टैंड के ऊपर या फिर कहीं पर भी अगर हैंग करते हैं, तो हमेशा डायरेक्शन कौन सा दिखाता है, नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिज्म इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पोल्स। पोल्स के अराउंड भी मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है, लेकिन सेंटर में वो कम होता है। द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक मैग्नेट के जो दो पोल्स होते हैं साउथ नॉर्थ, इन्हें हम कभी भी सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज यूज इन अवर डे टू डे लाइफ, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।